क्या कहेंगे? फिर गवर्नर हाउस जान तो पहला फिर गल करते लेट मी गो। मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ वापस। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे, होटल से निकले हैं, जाएंगे राज्यपाल भवन गवर्नर हाउस और बातचीत अभी करने को तैयार। छन्नी साहब क्या क्या उम्मीद थी, क्या बनेंगे और अब जब क्या पार्टी क्या होगी? रेडी नहीं, कैसे पार्टी का? एक मिनट यार जाने दो भैया, सरकार का नेतृत्व कैसे करेंगे? सरकार का नेतृत्व छन्नी साहब आला कमान के फैसले को कैसे देखते हैं? आला कमान के फैसले को कैसे देखते हैं? छन्नी साहब हमारे साथ है, पार्टी आला कमान के फैसले को कैसे देखते हैं? मैं गवर्नर हाउस से निकल कर बात करूंगा। सर अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं सीधा? गवर्नर हाउस सर खुशी है सर, देख पा रहे हो चरणजीत चन्नी? बिल्कुल, देखिए बात नहीं कर रहे, मीडिया से बोल रहे, गवर्नर हाउस से निकल के बात करेंगे, लेकिन मीडिया के लोग उनका एक रिएक्शन जानना चाहते हैं। गवर्नर हाउस से निकलने के बाद बात करेंगे, आला कमान को धन्यवाद देंगे, विधायकों को धन्यवाद देंगे, लेकिन इस वक्त निकल रहे हैं गवर्नर हाउस की ही तरफ। तमाम जो विधायक इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, आप देख सकती हैं तस्वीरों। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है? चन्नी साहब एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया है जो सबको स्वीकार्य था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चरणजीत सिंह चन्नी को देख सकते हैं, वो यहाँ से राजभवन के लिए निकलता। चन्नी साहब क्या कहेंगे? गवर्नर हाउस आ जाओ। क्या कहेंगे? गवर्नर हाउस में बात करेंगे चन्नी साहब, यहाँ बात नहीं कर रहा, उसके बाद बात करूंगा। मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से बात भी करेंगे, पंजाब बाहर निकल कर बात करूंगा। गवर्नर हाउस पार्टी आला कमान को धन्यवाद देंगे। बात पहले गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? एक दलित चेहरे को मौका दिया, क्या सोचते हैं? चलो भैया चलो चलो निकलो चलो चलो निकलो सर, एक दलित चेहरे को मौका दिया, क्या सोचते हैं? थैंक यू मैम, मैं बात करता हूँ वहाँ से निकल कर। आप चलिए जी, पंजाब की मैसेज होगा पहला जी, नजर नहीं आ रहे पर हाथ जोड़ के जरा बधाइया ने वो जरूर कबूल कर रहे ने चरणजीत सिंह। पिछे लाल तो पिछे जा। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद, शपथ ग्रहण का वक्त लेने के बाद वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला कांग्रेस के लिहाज से देखे, कई नाम सामने आए लेकिन कोई भी नाम इस पद तक नहीं पहुंचा, और देखना होगा कि अब आगे सरकार का गठन कैसे करते, सरकार कैसे चलाते। चुनौतियां इनके पास कई होंगी, प्रगट सिंह से बात करते हैं प्रगट सिंह साहब फैसले से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, फैसले से खुश हैं। हाँ फैसले से खुश हैं, लेकिन आपको उम्मीद थी कि यह चेहरा होगा? हाँ क्यों नहीं होगी। बताया जा रहा है कि आप लोग नाराज थे सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, हाईकमान ने जो कर दिया। देखिए बिल्कुल नाराजगी नहीं है किसी तरह की, सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर सिद्धू खेमा खुश नहीं था, लेकिन कोई नाराजगी नहीं है। कुछ देर से बाद वो चिट्ठी राज्यपाल को भेजी जाएगी।
पीछे क्यों नहीं? बिल्कुल, यानी कि हर कोई हाईकमान के इस फैसले का स्वागत करता हुआ और इसी के साथ ये बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पंजाब को दलित मुख्यमंत्री दे दिया है, चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि अब अगले मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। आपको बता दें कि दलित चेहरा है, यानी कि दलित समुदाय से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और मौजूदा स्थिति को अगर देखें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ये बहुत बड़ा राजनीतिक दांव कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला गया है, क्योंकि सूबे में इस वक्त 32% चलती रही कि पंजाब के आने वाले चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, और अभी आधा घंटा पहले ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पंजाब के जो आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे वो मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। सर, क्या डेप्यूटी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत शाइस्तगी से ये, और बहुत शाइस्तगा उनका ये जो फैसला है, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि पंजाब में वैसे भी जो SC पॉपुलेशन है वो तमाम हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 33%। दूसरा ये है कि आपके सुनने वाले शायद इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आज तक पूरे नॉर्थ इंडिया में कभी कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तो इस फैसले से कांग्रेस पार्टी ने ये भी साबित किया। चमन का हम रुक कर लेते हैं। चमन, क्या कुछ अपडेट राजभवन से? जी देखिए, राजभवन में है जो मंत्री और विधायकों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरह से राजभवन के बाहर जो है वो कैबिनेट मंत्री जो थे श्याम सुंदर अरोड़ा और कुछ विधायक जो है उनकी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राजभवन में जो है अब हलचल तेज हो चुकी है। कुछ ही समय में जो है वो जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। विधायकों ने और जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री उन्होंने आना शुरू कर दिया है। परमिंदर सिंह पिंकी इस गाड़ी पर बैठे हुए हैं और इस पर श्याम सुंदर अरोड़ा, और जो है राजभवन में जो हलचल है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, और कुछ ही क्षणों में जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी को जो है वो हरीश रावत, अजय माकन और हरीश चौधरी जो है वो यहाँ पर ले आने गवर्नर से